पहुंचे हैं किशनकोट के नीवी आबादी गली नंबर 5 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर विक्की नाम के युवक का कत्ल हुआ है, और कत्ल के पीछे कहानी क्या है ये तो पुलिस पता लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल करने वालों ने उसको जलाने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि अधजली अभी तक जो हमें जानकारी मिली है अधजली वहाँ पर शरीर का काफ़ी हिस्सा जल गया है, और देख सकते हैं आप आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर कत्ल के पीछे कौन है, आला अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी जाँच पड़ताल की जाएगी। हमारे साथ DCP यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी तक सर पहली नज़र में क्या लगता है जो कातिल हैं वो जानने वाले हैं? अल्टीमेटली जो पहली नज़र में ये लगता है कोई जान पहचान वाले थे, जो अभी अब हम इसकी जो पर्चा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जल्दी दोषियों को पकड़ेंगे। लाश को सर जलाने की कोशिश भी की गई है? नेचुरली यहाँ आग लगी हुई है, इसका मतलब यही है कि उसको उन्होंने सोचा कि इसको लाश को जो एलिमिनेट कर दें। तो सर अभी तक जो आज प्रारंभिक जानकारी है ये तो दोस्तों का ये कहानी हो सकती है, क्योंकि घर में आकर बैठ कर खाना पीना उसके बाद में जलाना हत्या करना कहीं ना कहीं दोस्त हो सकते हैं। अभी ये अभी कुछ नहीं कह सकते, इसमें अभी पर्चा दर्ज करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कौन कौन कहाँ गया, और सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच होगा वो करेंगे। तो ये थे बड़ी बात, हमारे साथ DCP, हम आपको बताएंगे लाइव तस्वीरें, लाइव भारत पर दिखाता है और आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये गली है, और गली के अंदर इस घर में एक ऐसा कृत्य हुआ है कि दोस्ती होंगे जो चेहरे थे वो चेहरे पुलिस ढूंढ निकालेगी। और ये घर की मैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, विक्की नाम था और अविवाहित था, पुलिस अपने छानबीन में लगी है, और फॉरेंसिक लैब की टीमें भी पहुंच गई हैं, एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है, और हम पूछेंगे उनसे उनके घर के ये देख सकते हैं आप फिलहाल बयान देने के इस समय कोई काबिल मूड में नहीं है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये वही घर है, और इस घर में विक्की नाम का जो युवक था वही घर का खर्चा चलाता था। किन्हीं कारणों से उसका बड़ा भाई घर में नहीं रहता था, जो कि हमें बताया गया है विक्की ही अपने भाई के बच्चों की भी परवरिश करता था, अपने माँ की भी करता था। और जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, तो ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस देखिए रुदन, सर विक्की के आप जीजा जी हैं, सर ये बताइए विक्की के बारे में बताइए, विक्की शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था, वो अभी कुंवारा ही था, अभी शादीशुदा नहीं था वो। तो क्या पता लगा आपको अभी तक? अभी मेरे को, मैं तो अभी आया हूँ, मैं घर में था, आज मैं छुट्टी थी, मैं ड्राइवर हूँ, तो लेकिन हाँ तो मैं अभी मेरे को पता चला, अभी फ़ोन आया, कहते ऐसा हो गया, मैंने तो समझा मैं जा कर रहा, कहते ऐसे ऐसे घर में आग लगी, मैं ऐसे आग लगी, कहते मैं तो घर में, आज तो कोई फ़ोन नहीं आया सुबह का, कहते नहीं अभी फ़ोन आया सिस्टर को, इसके भाभी ने बोला भी आग लगा आगे कोई भाग गया। तो बड़ी बात है, जैसा कि एक बहन का रुदन है, बहन जैसा कि पूरे परिवार है यहाँ पे, बहन रो रही है, रोते रोते उन्होंने जो बताया, पुलिस को भी बयान दिया, यहाँ के DCP को भी बयान दिया, सच को भी बयान दिया। तो क्या हुआ मैम यहाँ पे आपको क्या पता चला? मैनू यो पता चलिया वा, मेरा भरा कहने लागत बाजी लई, पहला किसी ने मारिया वा, वह अंग हीण ही कदला तो तुरया नहीं जाता, फिर भी तुरता ही, घर का सारा खर्चा उन्हें चुका, टब्बर पालता ही पूरा, अपना ब्याह नहीं कराया, वह कहता नहीं मेरी भरजाई की कुड़ियाँ है, मैं उन्होंने पालागा, मेरा भरा वाला शराबी, उन्होंने इन्होंने कहा, कहता मैं वो पालता नहीं, इन्हें पालिया सारे जेडिया कुड़ियाँ जो प्लस टू च पढ़न दियां ने, यह मगरों भरजाई भी नहीं इतने हैगी, मेरी माँ भी नहीं इतने, मासी का पता उत्थे गई अपनी भैन को, मैनू इन्हें फोन किया, कहता दीदी मैं नहा डिया वा, मैं कि कर डाया, कहना मैं नहा डिया दीदी तू कल घर आ, मैं ना कुकिंग का काम करनी है, मैं रोटी बना चाहनी, मैं अज छुट्टी कर ली, कहना मैं आने लगा वा, मैं चल विक्की अज मैं घर ही हाँ तू आ जा, मेरा भी दिल कर डा तेन मिलन वास्ते, कहना की पता तू की सोचन डी जरा अज मैनू मिलना ही कहना, मैनू पता ना मैं मिलन आ जाती है मुड़ के, कहता वा दीदी मैं तेन 2 बजे फोन कराँगा, हूँ मैं नहा धो के मैं बाहर आ गया वा, विक्की जो बाहर आया ना मैंने पता जेडे मुंडे ना आया तू शराब ना पीवी, तेन पता मैं नहीं तेन मिलना इदा, तू शराब नहीं, कहता दीदी तेरी सुम नहीं शराब पीवांगा, तू 2 बजे घर आ जाए, मैं चल ठीक है तू मैनू फोन कर दी मैं घर आ जाऊंगी, उसका कहता चाई भी आ जाएगी, मुड़के ने फोन ही नहीं चुकया मेरा, मैनू पता नहीं लगा, मैनू पता होंगे गल जनाब मैं पहला ही आना है, मैं अपने भरा बचा लेना है, मैनू इन्ना पता जिन्हों ने इन्हें शराब पीती उन्होंने इन्हों इन खोह माई करके इन मारिया, बाहर आने की कोशिश करता ही उन्हें बाहर ने पिछले कमरे च मारता गलाती है, मैं अपना भरा कितों लवाना, मैं अपना भरा कितों लवा, एक तो वह ही घरों चला गया दूजा मार छड़िया,
गया वा, मैं क्या करा, मेरी माँ वेखो की हाल मेरी माँ का। आपको किसी पे शक है? मैनू यार दो शक है, जड़े पीते ही जड़े पीते ही इन्ना खो माई करके गए, एड्डी वड्डी गली किसी नहीं पता लगा अंदर की होन दिया वा। अज अजक कीड़ी चवे वह पता लग जाता वा भी आ कीड़ी चलन डी है, इन्होंने इन्हें नहीं पता इतने खो माई होन डी बैठक जद जाइए गेट खड़काइए कि बच्चा अग लगी तो बाद पता लगा जो मुंडा सड़ के कोला हो गया उदो दस सू की अग लग गई है। अच्छा वो दोनों पैरों से नहीं चल पाता था क्या? एक पैर ऐसा करके चलता ही, इस तरह करके पोलियो था। पोलियो हाँ। तो ये बहुत बड़ी दुख भरी खबर है और मैं समझता हूँ कि ये जो मैं कोर्ट न्यू किशन कोर्ट में गली नंबर 5 में ये जो खबर है ये खबरदार करने वाली खबर है। हत्यारे इतने जालिम थे कि उन्होंने दिव्यांग विक्की को भी नहीं छोड़ा, कत्ल किया, उसके बाद में उसका शव जला दिया। सबसे बड़ी बात, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ तक आई तो लेकिन वो अंदर नहीं आ पाई क्योंकि गलियाँ सक्रिय थी। सबसे बड़ी बात, इंसानियत मर गई है। जी हाँ, अगर यार दोस्तों का यह काम है और कुछ पैसों को लेकर यह काम किया है, धन दौलत को लेकर हत्या की गई है और एक दिव्यांग की हत्या हुई है, तो इससे बड़ा घोर पाप हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आज ये गली नंबर 5 में आया, पूरा गली यहाँ पे गवाह है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो चेहरे कौन थे? वो चेहरे पुलिस तलाशने में जुटी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं आला अधिकारी अभी पहुंचे थे और यहाँ पे थाना इस्लामाबाद की टीम यहाँ के SHO अनिल कुमार व उनके सारे दलबल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और कातिल के खिलाफ, जी हाँ, कातिल के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद वो चेहरे तो पुलिस तलाश करेगी और उनको पहुंचाएगी सलाखों के पीछे, क्योंकि उन्होंने जो सजा ऐसा उन्होंने पाप किया है जिसकी सजा केवल फांसी है। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।